हेलो मैंगो फ्रेंड्स, इस समय हम हैं गोवा में और मेरे पास है गोवा का एक और फेमस आम जिसका नाम है पायरी आम। पायरी आम महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में काफ़ी उगाया जाता है, रत्नागिरी, देवगढ़ और गोवा में ये काफ़ी फेमस है। ये देखिए पायरी आम का पेड़ जिस पर ढेर सारे आम लगे हुए हैं मई के महीने में, और ये देखिए पायरी आम जो कि मार्केट में मिल रहा है करीब 20 रुपए का एक आम। पायरी आम में से आती है बहुत ही शानदार एक यूनिक सी खुशबू, हल्की हल्की कैरी जैसी और मीठी खुशबू इसमें से आती है। पायरी आम आपको जनरली मई के महीने में मिलेगा। चलिए इसे काट कर देखें। पकने पर ये हल्का हल्का लाल और हरे रंग का होता है, हल्का पीलापन भी होता है इसमें। पायरी आम का शेप काफ़ी यूनिक होता है, नीचे हल्का सा नुकीलापन है इसमें, देखिए। अब देखते हैं पायरी आम का जूस कंटेंट। जूस से ये भरा हुआ है। अब पायरी आम को टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, जूस से एकदम भरा हुआ और बहुत ही मीठा। साथ में इसका एक यूनिक टेस्ट है जिसको आप हल्का सा खट्टापन जैसा कह सकते हैं, लेकिन उससे दांत खट्टे नहीं होते हैं, आप उसको इसकी टैंगीनेस कह सकते हैं। और इसका टेस्ट एकदम फ्रूटी माजा या स्लाइस के जैसा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मैंगो बाइट खा रहे हो। और इसको खाने के बाद आपको पेट में भारीपन भी नहीं लगता है, तो आप दो चार आम आसानी से गटक सकते हैं। और ये इन पर्टिकुलर मेरे सबसे फेवरेट आमों में से एक है। तो अगर आप महाराष्ट्र और गोवा में हैं तो पायरी आम को खाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी स्पेशल से आम के साथ। जय हिंद।